लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आज्ञाकारिता में चलना। जिस तरह मत्ती की पुस्तक 4 की 21 आयत में लिखा है, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि याकूब और यूहन्ना पहले से ही अपने पिता के साथ काम कर रहे थे। वह जाल को सुधार रहे थे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया, वह तुरंत उसके पीछे चले गए क्योंकि वे आज्ञाकारिता में थे। अगर हम बाइबल में देखें तो साउल भी अपने पिता की आज्ञा के नीचे था। जब उसके पिता की गधियां खो गई थी तो वह उन गधियों को ढूंढने गया क्योंकि उसके पिता ने उसे गधियां ढूंढने को बोला था। इसलिए वह बिना सोचे समझे एक सेवक को लेकर गधियों को ढूंढने के लिए चल गया। पुराने नियम में परमेश्वर ने किसी को राजा चुना, किसी को सेनापति चुना, पर उन्होंने जहां पर भी आज्ञा को तोड़ा वहीं पर वह मारे गए। मेरे प्रियो, कुछ लोग आज भी अगुआ होने के लिए चुने गए हैं और कुछ लोग सेवा के लिए चुने गए हैं, लेकिन वे अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं और अपनी बुलाहट को खराब कर देते हैं। आज कई घरों में उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते और आगे चलकर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उनको कोई काम कहा जाए तो वह साफ साफ मना कर देते हैं। आज मसीही लोग की जिंदगी में ज़्यादा परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि वह अपने अगुओं की आज्ञाकारिता के नीचे नहीं करना चाहते और न ही अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चलते हैं। इसलिए उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। वह जहां भी जाते हैं संघर्ष ही करते हैं। उन्हें हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर हम बाइबल में देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे तो उन्हें पता था कि एक दिन उनका मारा जाना है, गाड़ा जाना है, लेकिन फिर भी वह 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन रहे और अपनी बुलाहट की तैयारी की। याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ खास रखा हुआ है, पर उस चीज़ को देने से पहले परमेश्वर आपकी तैयारी करवाता है। जैसे परमेश्वर ने पहले से ही याकूब और यूहन्ना की तैयारी करवाई कि वह पहले से ही आज्ञाकारिता में थे। वह अपने पिता के कहने के अनुसार जाल सुधार रहे थे और एक दिन अपनी बुलाहट को पूरा किया। अगर आप भी आज्ञाकारिता में रहे तो एक दिन परमेश्वर आपको भी आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए आपको अपने माता पिता और अपने अगुओं के अधीन रहना है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मुझे आज्ञाकारिता में चलना सिखाए ताकि मैं आपकी मर्जी को पूरा कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Thank you.